हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा एंड वेलकम बैक टू रेखा की दुनिया। तो जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, ये है दिवाली की शॉपिंग का ब्लॉग और मैं गई थी अपने लोकल मार्केट में और लोकल मार्केट से मैंने शॉपिंग किया। तो मोटा मोटा सामान मैं परचेज करके ले आई हूँ। क्या क्या लाई हूँ घर पहुँच के आप लोगों को सारा शेयर कर रही हूँ। मार्केट में ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल था क्योंकि इतना रश था कि फ़ोन निकालने में भी नहीं बन रहा था। हर शॉप में बहुत भीड़ थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि किसी शॉप वाले ने मुझे मना किया था कि आप शूट नहीं कर सकते। और बर्तन के शॉप में मैंने थोड़ी सी शूटिंग की है जो कि अभी आप लोग देखेंगे। तो मुझे जो जो अच्छा लगा मैंने सब शूट किया है, आप लोग ब्लॉग में देखिए। और आज के ब्लॉग में बने रहिए, पूरा ब्लॉग देखिए क्योंकि धनतेरस की शॉपिंग का डिटेल भी है इसमें। तो आइए शुरू करते हैं। हम गए मार्केट और ये देखिए यहाँ पे हमने परचेज़ किया कुकर, आपको घर जाके दिखाएंगे कौन सा लिया है। और ये बर्तन की शॉप थी और यहाँ पे डब्बे मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। बाहर कुछ कलर वाले भैया बैठे थे तो मैंने वहाँ से कुछ कलर परचेज़ कर लिया। क्या क्या लिया वो हम आपको घर आके ही दिखा रहे हैं। बाकी आप थोड़ा सा ये नज़ारा लीजिए मार्केट का। मार्केट बहुत अच्छे से सज गया है, मतलब कल धनतेरस है भाई, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट तो सजेगा ही। और जब ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो आज ही धनतेरस है, तो आप लोग आनंद लीजिए और ओरिजिनल वॉइस में वीडियो देखिए। और घर आकर के, घर पहुंच करके मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ कि क्या क्या परचेज किया है। हेलो एवरीवन, तो क्लिपिंग देख के आपको पता चल गया होगा कि आज मैं गई थी मार्केट। तो जी हाँ, आज मैंने ना दिवाली की शॉपिंग की। थोड़ा टेक लगा के बैठ जाती हूँ तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जब सारी चीज़ें शेयर करते हैं तो ये शेयर करना तो बनता ही था। और आज दिवाली की शॉपिंग करने का रीज़न भी ये था कि सफाई फाइनली हो गई घर की। और शाम को मैं 5:30 बजे के आसपास मार्केट के लिए निकली हूँ और आज कहीं बाहर बहुत दूर नहीं गई, अपने लोकल मार्केट में ही शॉपिंग किया। तो लोकल मार्केट में शॉपिंग किया और बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ। तो सोचा कि आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो शॉपिंग कुछ दिवाली के लिए है, कुछ छठ पूजा के लिए है जो कि लेके हम घर जाएंगे। और कल धनतेरस है, धनतेरस की शॉपिंग अभी बाकी है। लेकिन मोटी मोटी चीज़ें जो थी ना कल, जो लेने में बहुत मुसीबत हो सकती थी क्योंकि कल मार्केट में बहुत रश होगा और लोकल मार्केट में तो बहुत ही रश होगा, तो इसलिए हम लोगों ने चाहा कि आज के दिन ही अगर ये शॉपिंग कंप्लीट कर ले तो कल जो धनतेरस की जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे लक्ष्मी जी की प्रतिमा है, खील बताशे हैं और भी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मैं उसका लिस्ट भी आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या धनतेरस के दिन परचेज करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में ना अंत तक बने रहिए, पूरा वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव है, इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिलेगा। तो चलिए
वीडियो को शुरू करते हैं और लेके चलते हैं आपको, हम दिखाते हैं कि मैं क्या क्या शॉपिंग करके आई। तो सबसे पहले जो मैं दिखाना चाह रही हूँ आप लोगों को वो ये देखिए, ये मैं लेके आई हूँ बेडशीट। मैंने बोला था ना कि हम बेडशीट लेके आएंगे, तो ये बेडशीट मैं लेके आई हूँ और बहुत ही प्रिटी कलर है ये देखिए, और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, पीच कलर का बेडशीट। और ये दो बेडशीट हम लेके आए हैं और दोनों का कलर ना ऑलमोस्ट सेम है। तो फर्स्ट मैं आपको ये दिखा रही हूँ और इसका लुक कैसा होगा ये देखिए, पास से इस तरह का लुक होगा इसका। तो ये प्रिटी सा बेडशीट हम दिवाली के दिन जब लगाएंगे उसके बाद आपको दिखाएंगे। दूसरी बेडशीट जो है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये है दूसरी बेडशीट, कलर ऑलमोस्ट सेम है, डिजाइन फर्क है। और ये भी देखिए, आपको इधर से दिखाती हूँ, बहुत प्रिटी है, इसका प्रिंट मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा। तो ये मैंने लिया है और ये इसी गेस्ट रूम में लगेगा क्योंकि मेरा वर्क स्टेशन तो यही है ना, तो मुझे तो यहाँ पे अच्छा रखना ही है। तो ये दो डबल बेड की बेडशीट्स मैं लेके आई हूँ और आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर से। तो ये दो बेडशीट मैं लेके आई हूँ, ऑलमोस्ट एक बेडशीट जो है ना वो आप मान के चलो 1900 बोल रहे थे, बट इस पर 10% का डिस्काउंट मिला है। उसके बाद में मैं जो लेके आई हूँ वो मैं कुछ कलर्स लेके आई हूँ। तो ये देखिए, बहुत प्रिटी सा वाइब्रेंट कलर है रंगोली के लिए। एक्चुअली मेरे पास कलर बहुत सारे पड़े हुए हैं पर इनका ना मुझे रंग बहुत पसंद आया तो इसीलिए मैंने ये लिया है। थोड़ी सी रंगोली तो बनाएंगे ही, तो कितनी भी तबीयत खराब हो यार, अगर दिवाली है तो खुशी से ही मनाएंगे ना। तो ये कलर मैं लेके आई हूँ, ये लोकल मार्केट में ना 10-10 रुपए की मिल जाती है। अभी भी ना जैसे ही धूल मिट्टी जाता है तो खांसी शुरू हो जाती है। और उसके बाद में मैं लेके आई हूँ ये डोरमेट्स, ये देखिए, ये एक वॉशरूम एरिया के लिए प्लस जो पूजा रूम के बाहर का है ना, जो मेरा बालकनी एरिया है उसके लिए। तो इस तरह के ये दो डोरमेट्स भी लेके आई हूँ। आप लोगों ने दिवाली की क्या क्या शॉपिंग करी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और उसके बाद ये देखिए, जो उरली है उसमें डालने के लिए इस तरह का फ्लावर लेके आई हूँ मैं, जो डेकोरेशन में यूज़ होगा। तो ये बहुत प्रिटी सा है, तो ये मुझे कलर भी बहुत अच्छा लगा, एकदम ओरिजिनल लोटस के जैसा। तो ये भी लेके आई हूँ। उसके साथ में कैंडल्स, नॉर्मल कैंडल्स जो है वो लेके आई हूँ। उसके बाद में ये एक तोरण मैं लेके आई हूँ, शुभ दीपावली वाली, जो कि मेन गेट पे लगाया जाएगा। पूजा रूम के लिए तो मेरा परमानेंट एक तोरण है, जो राजस्थान और गुजरात के जो होते हैं ना हैंडीक्राफ्ट वाले, वो ये देखिए इस तरह का मैं तोरण लेके आई हूँ। और ये कलर भी काफ़ी वाइब्रेंट है और दिवाली में ये शाइन करके आएगा तो बहुत प्रिटी लगेगा, शुभ दीपावली का ये। तो ये एक लेके आई हूँ, आपको कैसा लगा बताइएगा। उसके साथ में ये सिंपल कैंडल्स, क्योंकि बहुत सारे जैसे उरली में डालने के लिए या फिर मेरे पास जो स्टैंड्स हैं उनमें डालने के लिए, तो ये कैंडल लेके आ जाई हूँ मैं। और उसके साथ में जो मैं लेके आई हूँ वो आपको दिखाती हूँ, ये फ्लोटिंग कैंडल्स हैं और इसमें दिए भी जलेंगे। तो ये लेके आई हूँ, इसका एक नहीं बल्कि दो सेट लेके आई हूँ। दिवाली में दिया और कैंडल, अगर ये ना हो तो फिर कैसी दिवाली। तो दिवाली में ये तो होना बनता ही है। और उसके साथ में जो मैं लेके आई हूँ आपको ये दिखाती हूँ, ये कुछ सेंटेड कैंडल्स हैं, ये भी लेके आई हूँ मैं। सेंटेड कैंडल्स भी पूरा बॉक्सेस का लेने वाले थे बट इसमें शॉप में ना बस 6 पीसेस ही बचे थे। तो इस तरह के कैंडल्स हैं ये।
वाओ, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। ये लेवेंडर, एज यूजुअल कलर से ही पता चल रहा था। इसकी भी फ्रेग्रेंस अच्छी है, बट अभी तक ना ओवरऑल मुझे ये व्हाइट वाले की फ्रेग्रेंस ज्यादा अच्छी लगी। तो इस तरह के कैंडल्स लेके आई हूँ, कांच के ग्लास में है तो रीयूजेबल भी है। अगर ये कैंडल्स खत्म हो जाएंगे ना, तो इस ग्लास में फिर से वैक्स डाल के कैंडल बना के आप रीयूज कर सकते हैं। तो ये एक कैंडल्स लेके आई, कैंडल लेके आई हूँ। उसके साथ में और क्या लेके आई हूँ मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह की जो गेंदे की फूल की लड़ियाँ मिलती हैं, तो 6 ये लड़ी लेके आए हैं हम, और 6 ये लड़ी लेके आए हैं। तो इसका मेन क्या है ना कि इसको हम दिवाली में यूज़ कर लेंगे एंड उसके बाद ये छठ पूजा में यूज हो जाएगा। तो इस तरह से 12 लड़ी लिया है हमने ताकि अच्छे से यूज हो सके। तो ये हमने ले लिया। इसके साथ में और क्या लिया है आपको वो दिखाती हूँ। तो उसके साथ में छोटे लड्डू का एक ड्रेस लेके आई हूँ, दिवाली के दिन सुबह नहला धुला के जो पहनाएंगे ना उसके लिए। तो ये ड्रेस छोटे लड्डू के लिए लेके आई हूँ। आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में दिखाया सबके ड्रेस थे, छोटे लड्डू के ड्रेस नहीं थे, तो वो लेके आई हूँ। माता लक्ष्मी और माता सरस्वती के लिए भी इसी तरह के हार लेके आई हूँ, जो मैंने नवरात्रों में दुर्गा माता के लिए लिया था, मतलब माता रानी के लिए लिया था, वैसे ही उन दोनों के लिए भी लेके आई हूँ, ताकि तीनों का ड्रेस सेम रहे तो उनकी ज्वेलरी भी सेम रहे। तो ये लिया है मैंने, और ये ना बहुत रीजनेबल रेट पे मुझे मिल गया है, 35-35 रुपीज़ का है ये। एंड उसके साथ में जो लेके आई हूँ अंडरगारमेंट्स, दोनों लड्डू गोपाल जी के लिए, दोनों के लिए लिया है। और उसके बाद में ये देखिए, ये जो मैं लेके आई हूँ ये है कुबेर जी, कुबेर जी की ये प्रॉपर पीतल की प्रतिमा मैं लेके आई हूँ आज। और आज कुबेर जी आ गए हैं, कल लक्ष्मी जी आ जाएंगी, कल धनतेरस है, तो ये कुबेर जी की प्रतिमा मेरे पास नहीं थी, बाकी सारी प्रतिमाएं मेरे पास हैं। तो ये कुबेर जी की प्रतिमा भी मैं लेके आ गई हूँ, कल इनको हम स्थापित करेंगे। तो ये सारी पूजा की चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, जो धनतेरस पूजा और लक्ष्मी जी की पूजा से रिलेटेड चीज़ें हैं, और दिवाली से रिलेटेड चीज़ें हैं, छठ पूजा से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये सब कुछ हम लेके आ गए हैं, और उसके साथ में कुछ चीज़ें अपने लिए भी जब गए तो परचेज तो करना ही था। तो मैं गई थी एक्चुअली नाइट सूट देखने के लिए अपने लिए, तो नाइट सूट तो मुझे प्रॉपर नहीं मिला, पर मुझे जो मिला ना वो है कॉट सेट। तो इस तरह का कॉट सेट मैंने लिया है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ आपको। बहुत प्रिटी सा है और कपड़ा भी बहुत अच्छा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये कुछ इस तरह का कॉट सेट है, और मुझे कॉट सेट बहुत पसंद है। और ये हाई नेक है, तो सर्दियों के लिए ये बहुत अच्छा होगा, इसके ऊपर अगर जैकेट वगैरह डाल लेंगे तो सर्दी बिल्कुल नहीं लगेगी। तो ये एक कॉट सेट है, और इसमें ना नीचे पैंट जो है ना, ये देखिए पैंट भी प्लाजो है, तो ये भी अच्छा है। तो एक ये भी मेरी शॉपिंग हो गई है, और ये मुझे पति देव ने दिलवाया है। तो मैंने 2 कॉट सेट लिया है, तो एक मैंने अभी आप लोगों को दिखा दिया, उसके बाद में मैं दूसरा भी आपको दिखाती हूँ। और दूसरा जो कॉट सेट मैंने लिया है वो कुछ ऐसा है, तो ये इस तरह से थोड़ा सा आपको लूज लूज वाला फील देगा। इसकी जो स्लीव्स हैं वो इतने तक की आएगी, हाफ ही स्लीव इसको आप मान के चलो, तो ये हाफ स्लीव में है। ये थोड़ा अलग डिज़ाइन है, और ये काफ़ी खुला खुला है, तो ये थोड़ा अच्छा भी लगेगा, और
कलर लगभग दोनों का सेम मिलता जुलता है, पर पति देव की पसंद है, उन्होंने दिलाई है, तो जो दिलाया वही ले लिया, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया। पता है क्या, अपना दिमाग लगाओ ना तो बाद में उस पर गलतियां निकलती हैं, लेकिन अपना दिमाग ना लगाओ, दूसरे के दिमाग से ले लो तो एटलीस्ट आपको गलत कोई नहीं बोलता। तो इसलिए मैंने दिमाग लगाया और ले लिया, अपना दिमाग नहीं लगाया, उनका दिमाग लगाया और ले लिया। तो ये दो कॉर्ड सेट मैंने लिया है। इसकी पैंट कैसी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये भी प्लाजो पैंट के साथ ही है, तो इस वजह से ये कंफर्टेबल होगा और कपड़ा बहुत बहुत कंफर्टेबल है, तो इसीलिए मैंने ये दोनों परचेज किया। तो ये हो गई मेरी खुद की परचेजिंग। अब उसके बाद मैं आपको एक परचेज दिखाती हूँ जो घर के लिए हमने किया है। पतिदेव को तो बहुत पसंद आया, उसके सामने बहुत सारी चीजें उन्होंने छोड़ दी, तो दिखाती हूँ आपको। तो ये हमने लिया है, और बहुत आवाज करेगा ये। एक काम करती हूँ, पन्नी निकाल लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हाँ जी, तो ये देखिए हम लेके आए हैं ये फ्लिप ऑन कुकर। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, देखा हुआ तो हम लोगों ने पहले से देखा, बट इस बार ना पतिदेव ने देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बोला कि यही ले लेते हैं। एक्चुअली हम गए थे 1 लीटर कुकर लेने के लिए। तो अभी सारी चीजें आप लोगों को दिखाती हूँ इसमें। ये देखिए, तो ये हमने लिया है कुकर। और ये कुकर की खासियत क्या है पता है आपको? खुल गया और ये बाहर, और ये काफी हैवी है, इतना हैवी है ना कि हम आपको बता नहीं सकते। और इस तरह का कुकर, इसमें आप जो चाहे बनाइए, टेस्टी टेस्टी खाना बनाइए। सिर्फ दाल ही नहीं कुकर में गलेगी, इसमें सब्जी भी बनेगी, इसमें बिरयानी भी पकेगा, तो इसमें सब कुछ पकेगा। मुझे बहुत दिन से था कि मुझे चौड़े मुंह वाला कुकर चाहिए, बिकॉज मेरे पास था नहीं चौड़े मुंह वाला कुकर। फैन बंद किया है वीडियो की वजह से, और देखिए क्या पसीने आ रहे हैं भाई। तो इसीलिए ये कुकर लिया। ये बहुत इजी है यूज करने में, बिठाया और इसको नीचे दबाया और रेडी। इसमें वेट भी है, ये देखिए, नॉर्मल जैसे कुकर में वेट होता है, इसमें भी वेट लगा हुआ है। अगर आपको कुकर यूज करना है तो आप इसको कुकर की तरह यूज करिए, और अगर मान लीजिए ऐसी कोई चीज बना रहे हैं जिसमें आपको प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, प्रेशर नहीं लगाना है, तो आप इसको निकाल दीजिए और उसमें आप ये ट्रांसपेरेंट लीड है इसको डालिए, और इसको डाल के आप अपना खाना बनाइए। तो इस तरह से ये कुकर बहुत अच्छा है, और प्रेस्टीज ब्रांड का है, तो जाहिर सी बात है कि गारंटी वारंटी जो भी है वो तो होगी ही होगी। और इसको मैं वैसे ही पैक कर देती हूँ, और आप लोगों को अच्छे से कुकर का एक बार व्यू सिनेमैटिक में दिखाती हूँ। तो ये देखिए, बिल्कुल इजी है हैंडल में, और कुछ भी इसको करने की जरूरत नहीं है, तो ये बहुत आराम से यूज होगा। तो इस तरह से ये कुकर है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कुछ लोगों को लगेगा कि धनतेरस से पहले ही खरीद लिया, तो जी हाँ, धनतेरस से पहले हमने बड़ी चीज़ इसलिए खरीदी क्योंकि आज हम इसको तसल्ली से ले पाए। कल अगर हम जाते तो शॉप में इतनी ज़्यादा रश होती कि शॉपकीपर भी हमको ढंग से नहीं दिखाता। तो ये थी आज की हमारी पूरी शॉपिंग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी धनतेरस से रिलेटेड चीज़ें कल हम खरीदेंगे, तो कल हम क्या खरीदेंगे? तो
सबसे पहले धनतेरस पे हम खरीदते हैं झाड़ू, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। तो हर धनतेरस पे बिना भूले एक झाड़ू मैं जरूर खरीदती हूँ। उसके साथ में क्या है, तो उसके साथ में मैं खरीदूंगी साबुत धनिया। धनिया भी लक्ष्मी जी की प्रिय है। उसके बाद में आप नमक लाइए घर में, वो भी बहुत शुभ माना जाता है। उसके साथ और क्या ले सकते हैं, तो उसके साथ आप और जो ला सकते हैं, आप सोना चांदी या स्टील, जिसके भी बर्तन लाते हैं आप वो बर्तन लेके आइए। और उसके साथ में आप लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा लेके आएंगे। अगर एक साथ जुड़ी हुई मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अलग अलग जो मिल रही है वो आप लेके आएंगे। उसके साथ में आप लेके आएंगे खील बतासे। कल की पूजा में लड्डू चलेगा, पीले रंग की मिठाई, तो पीले रंग की मिठाई में आप लड्डू चढ़ाइए धनतेरस की पूजा में। तो धनतेरस के दिन वो भी आप शॉपिंग करके लाइए। और ये सारी चीजें मैं आज इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि कल सुबह सुबह वीडियो लाइव मैं कर दूंगी, ताकि आप लोग देख लीजिए और जिनको परचेज करना है वो शाम तक परचेज करके ला सकते हैं। धनतेरस पूजा के मुहूर्त शाम के टाइम का है, तो आप लोग आराम से सारी चीजें ला के पूजा कर सकते हैं। और धनतेरस पूजा की विधि जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही दिखा पाऊंगी, अभी नहीं दिखा सकती हूँ। और उसके साथ में लक्ष्मी पूजन के दिन क्या क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको कल बताऊंगी वीडियो में। तो आज के वीडियो को आप लोग पूरा अगर देख चुके हैं तो आपको सारी चीजें पता चल ही गई होंगी। धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए ये तो सबको ही बता देते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए ये बहुत बड़ी बात है। तो धनतेरस के दिन ना कभी भी कोई भी लोहे का सामान ना खरीदे, बिल्कुल ना लाए, कुछ भी ना लाए। तो बस सारी चीजें बता दी मैंने आप लोगों को। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रेखा की दुनिया। बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।